जबलपुर पुलिस के लिए उलझन बनी बहुचर्चित अपहरत बच्ची देविका की लाश उसी के घर के नजदीक एक कुएं में बरामद होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो करीब 200-300 मीटर ऊपर आएंगे ना, कुआं है, एक पुराना कुआं है। आप एमपीबी पावर हाउस के पीछे आएंगे ना तो वहाँ पे घर मिल जाएगा आपको। भैरवनगर का आता भैरवनगर भैरवनगर जहाँ पहले तोड़फोड़ की अतिक्रमण। गौरतलब है कि लंबे समय से जबलपुर पुलिस शहर के कोने कोने से लेकर हर तरफ उसकी तलाश कर रही थी। ऐसे में बच्ची की लाश का घर के बगल से मिलना पुलिस जांच में भी कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बच्ची की डेड बॉडी मिली है और वो एक पत्थर से बंधी हुई थी, उसको भी निकलवाया गया है और पीएम हेतु अस्पताल भेजा गया है और साक्ष संकलित करके जो उसको वैधानिक कार्रवाई। ये कितने दिन पुराने उसमें डली गई कुएं में? ये तो पीएम के बाद स्पष्ट हो पाएगा कितने दिन पुरानी है, पर बहुत पत्थर में बंधी हुई। देविका की हत्या कब हुई, कैसे हुई, इस बात का खुलासा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद भी बच्ची की हत्या अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाएगी। दिलासा के अलावा कुछ नहीं दिए, आखिर में यह हाल किया कि वो लड़की को देखो, जब लड़की के लिए ढूंढने को हम लोग कुआं बावली जा रहे हैं तो तुम क्यों मना कर रही हो कि वहाँ मत खोदो? तुम बार बार कह रही कि अब जब तक तुम मदद नहीं करोगे हम क्या करेंगे तुम्हारे लिए। हम लोग ने मदद की, तुम्हें मुलजिम दिए जिसके घर के ऊपर दस्ताने मिले, उसके बाद में तुम्हें गवाही दिए, उसके बाद भी तुमने क्या किए? अभी कल तक तुम हम लोगों को यही दिलासा दे रही हो, घर वालों के ऊपर सिर उठाते, कौन ऐसे दुनिया में माँ बाप होगा और दादा होगा जो अपने बच्चे के साथ ऐसा करेगा? दौड़े छूटे तुम सीधे, अरे उनके कोई अपराध थे क्या थे, कोई कैसा भी होगा मगर वो अपने बाल बच्चों के साथ में नहीं करेगा। तुम इस तरीके से, तुम हमारे, मैं नानी हूँ बच्ची की, तुम हमारे घर में हम लोगों को परेशान कर रहे हो, हमारे मोहल्ले पड़ोस वालों को परेशान कर रहे हो, दुनिया भर में छानबीन कर रहे हो, मगर जब तुम्हारे पास मुलजिम है तो तुम कैसे बोलते हो कि कानून के हाथ लंबे होते? उस मुलजिम से क्यों नहीं उगलवाए तुमने, क्यों नहीं उगला? आज हमारे बच्चे को देखो हमको कहाँ मिली पड़ी, जिस चीज को हम डर रहे थे आखिर वही चीज सामने आई है। माना जा रहा पुलिस की पूरी लापरवाही, पूरी लापरवाही पुलिस की है, खास तौर में मैडम की है। मैडम के दिलासे में हम टंगे थे, मैडम के दिलासे में हम टंगे रहे कि मैडम है एक औरत का दर्द जानती होगी तो मैडम कुछ करेगी, और मैडम तो जाके शांति से बिल्कुल बैठ गई, आना भी छोड़ दी और सीधे दौड़ेगी छूटेगी वो मच्छंदर तो दौड़ी छूटी तो वो फलाना तो वो ढिकाना है, इनके सबके नाम लेती है। ये हम लोग ऐसे इतने गिरे हुए नहीं है। कितने आरोपी आप लोगों ने बताए थे? हमने इनको आरोपी के, इनको आरोपी के साथ में तीन आदमी बताए थे, एक रेखा बताए थे, सचिन बताए थे और एक वो जो नर्वद है उसको बताए थे। नर्वद हमारे सामने खुद कह रहा है यार करा हो तो बता दे, हम खुद वहाँ गवाही दे रहे थे, यार क्यों फालतू में मेरे को पिटवा रहा है, चार छेटो रोटी रख दी इसको खाने को तो खा रहा, ऐसा हाथ जोड़ रहा वो नर्वद खुद उसके कि भैया तुम्हें तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू एक काम कर, अगर किया है बेटा तो तू बता दे। नहीं बताया, सवेरे देखते हैं दो चार दिन, एक दिन पहले उसकी माँ आती है, वो जाती है यहाँ से, उसके घर के ऊपर दस्ताने मिलते हैं, दस्ताने मिल रहे हैं आपको, दस्ताने मिलने के बाद में तुम कुत्ता लाते हो, कुत्ता दौड़ लगा रहा चारों तरफ घूम के चला गया, और बताइए बच्ची कहाँ पड़ी? आप जब हमारे यहाँ से हमारे बच्चे जा रहे हैं नाले खोले लैट्रिन बाथरूम घूमने के लिए तो मैडम मना कर रही है, कहती रहने तो रहने तो छेनी हथौड़ी बच्चों से वापस करवा दी कि चल जहाँ तहाँ गटर हम लोग खोल डाले। क्या बात है मैडम से पूछा जाए कि मैडम क्यों ऐसा किए हो, ऐसी कौन सी दुश्मनी है हमारी, मैं उस बच्चे की नानी हूँ, मैं नानी। सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि यदि पुलिस ने गांव में ढिंढोरा ना पीट कर बगल में ढूंढा होता तो शायद आज देविका जीवित होती और अपने परिवार के साथ होती। यहाँ से बच्ची जी बताए क्या हुआ है? आरोपी को देखा गया यहाँ पे खड़ा हुआ भी, लेकिन मैडम ने उनको चार दिन रखा, मारा पीटा, उनने नहीं उगला तो आरोपी सेफ हो गया। अब मैडम बोली कि हमको दूसरे का नाम बताओ, दूसरे का, तो हमने जिसका जिस पे शक था सबका नाम बताया, लेकिन ना मैडम ने उसके घर वालों को उठाई ना कुछ, और हम लोग के परिवार में इतना छानबीन करी, सब करी, एक एक घरों में जाके हम लोग की सब डिटेल्स निकाल के ला रही कि फलाना ऐसा तो ढिकाना ऐसा, और करी कुछ नहीं। और उस आदमी का देखो रिकॉर्ड बताते जी सब हम लोग ले रहे हैं सचिन का, इसका जी माना जा रहा है कि पुलिस ने आपको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, आपको परेशान किया, आप 9 महीने से प्रेगनेंट थी, क्या इसको तो इतना तक कहा गया, बताओ कि तुमको कि तूने खुद गोद में हाथ लिया कि मैंने उठा के कोई को दिया है, और घर वालों के ऊपर भी
तो क्या बताया फिर आपने पुलिस ने आपकी, किस तरीके से पूछताछ की और क्या है? यही पूछती रही कि कहीं आपने तो नहीं दिया नार्को टेस्ट की भी बोली मैडम ने, कल हम लोग ने जाके बोले मैडम से तो मैडम ने हम लोग को झुटला दिया, बोलती है नार्को टेस्ट का मतलब मालूम है तुम लोगों को? तो हमने बोले मैडम हम लोग का करवा दो ताकि हम लोग सेफ हो जाए, तो आप फिर आरोपियों को ढूंढो। तो मैडम बोलती है कि नार्को टेस्ट का मतलब नहीं जानती हो अभी तो, पेपर में ऐसे निकाल दिया तुमने नार्को टेस्ट।